खालसा यूथ क्लब करनपुर द्वारा गांव करनपुर में कबड्डी टूर्नामेंट का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष रंजीत उप्पल ने शिरकत कर खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। आप नेता रंजीत उप्पल ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि इस प्रकार के आयोजन से युवाओं को अपनी खेल प्रतिभा दिखाने का भरपूर मौका मिलता है एवं युवा नशे से दूर रहकर समाज में अपना उत्कृष्ट स्थान बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार खेल एवं खिलाड़ियों की उपेक्षा कर रही है। खिलाड़ियों के लिए ना तो खेल के मैदान है और न ही कोई समुचित व्यवस्था है जिससे खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। बड़े अफसोस की बात है कि हमारे यूथ क्लब के सदस्य अपने निजी कोष से और किसी तरह रुपया जुटाकर खेल टूर्नामेंट का आयोजन करते हैं। सरकार एवं प्रशासन की तरफ इन्हें किसी प्रकार की कोई भी मदद नहीं मिलती। रंजीत उप्पल ने वहां मौजूद खिलाड़ियों को आश्वासन दिया कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर खेल ग्राउंड बनाए जाएंगे और खेल एवं खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए भरपूर मदद आम आदमी पार्टी की सरकार करेगी। आप नेता रंजीत उप्पल ने आयोजक खालसा यूथ क्लब करनपुर सभी सदस्यों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। पूरी मैनेजमेंट नू बहुत बहुत वधाई। मैं एक वादा करके जाना नाल साडे पंजाब दे विच आम आदमी पार्टी दी सरकार आ, एक मौका हरियाणे च आम आदमी पार्टी नू दो, आम आदमी पार्टी दी सरकार बणदिया 2024 दे विच इस पिंड दे विच आम आदमी पार्टी पहले तीन महीनिया दे विच बहुत टॉप दी ग्राउंड बना के दोगी। आम आदमी पार्टी पहले तीन महीनों में सरकार आउंदे सार करनपुर पिंड दे विच टॉप दी ग्राउंड बना के दवांगे। और इतों अलावा जो हड़ा आम आदमी पार्टी का एक मेन मुद्दा है एचएमटी नू चलाउणा, वो इस करके कि नौजवानों नू रुजगार मिले। वध तों वध साडे एरिया दे विच जिन्ने भी नौजवान बेरोजगार ने एचएमटी चला के उन्होंने रुजगार दवांगे। और दूसरे लेवल से हर तिना पिंडा दे विच असी एक ग्राउंड बनावांगे हर तिना पिंडा दे विच, और वो ग्राउंड बहुत अच्छी ग्राउंड होगी जिथे वधिया वधिया बच्चे अपनी प्रैक्टिस करनगे और वो बच्चे प्रैक्टिस करके नैशनल लेवल से इंटरनेशनल लेवल से इन्हां पिंडा दे विचों इन्हां सत्थां दे विचों वो बच्चे अगे जाके खेडणगे। मैं पूरी टीम का पूरी मैनेजमेंट का प्रधान साहब का कोच साहब का पूरे पिंड का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।